Can I have another mic, please? Balu? Yes, sir. और तो क्रिश ना की कैसा लग रहा है? Feeling तो mutual है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी मेरे मेरी लाइफ में आने के लिए भी माता ही लगी थी और जो मेरे को सबसे ज्यादा समझता है वो भी मेरी बहन ही है, तो औरतों के बीच में होना मेरे लिए बहुत फायदे की चीज है। थैंक यू वेरी मच। सो भानु प्लीज, यार बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप जिस चीज की नींव रखने जा रहे हैं, यूनियन फाउंडेशन बहुत ही कमाल का फाउंडेशन है। ये एक एनजीओ है जो कि आर्टिस्ट के वेलबींग के बारे में, आर्टिस्ट के यू नो उनकी सेहत के बारे में और उनके काम काज के बारे में भी ख्याल रखेगा। लेकिन ये जो एनजीओ की पूरी नींव जो आपने रखी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में विस्तार में हमारे तमाम लोगों को बताइए। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में आप भी एक्टर हैं, यहाँ पर काफी लोग एक्टर्स हैं और हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग 12 महीने के 12 महीने काम नहीं कर पाते हैं। और उस मैं तो सवाल आपको बताऊं, आप ही ने दिया है काम, मेरे मन की बात कर दी। और कभी कभी हो जाता है कि वी आर्टिस्ट, वी ऑल नो वी गो थ्रू दिस फेज, वी ऑल प्रिपेयर्ड बट वी डोंट हैव वर्क एंड यू नो फॉर स्पेशली फॉर दोस मोमेंट्स वेयर वी नीड सपोर्ट। यू नो टाइम आर्टिस्ट को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारी सेविंग्स होती है, उन्हीं पे हम खर्चा करते रहते हैं, तो एक साइड बाय साइड आपको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको पीआर मिलता है, जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत जरूरी चीज है हमारे आर्टिस्ट के लिए। एक पीआर जाने पब्लिक हमें, तो ऐसे इवेंट्स में आने से एक पीआर भी मिलता है। तो बेसिक जो दो चीजें हैं वो ये एम्पावरमेंट है सारे आर्टिस्टों की, बेसिकली हमें काम की अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अब्यूज है, राइट्स हैं। एक आर्टिस्ट के क्या राइट होते हैं, क्यों हमें 13 घंटे 14 घंटे काम कराया जाएगा या किसी को मेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम कवर करेंगे। सो सर विद ऑल द ब्लेसिंग्स, आई होप बहुत कमाल की बात है। यार ये फनी हो गई, मस्ती हो गई भाई। तो देखो मोहतरमाएं जो है पीछे बैठ गई है जाकर के, मेरा ध्यान उन्हीं पर है। देखो बिग बॉस की सारी कंटेस्टेंट जो है पीछे जाके बैठी हुई है, कह रही है। लेकिन भानु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास भी है और आर्टिस्ट को यू नो रोजगार भी मिलेगा, जाहिर बात है पीआर भी मिलेगा। मेरा तो पीआर इतना पी और यार के साथ जो मेरा कनेक्शन है आफ्टर 8 PM वो कमाल का। लेकिन जोक्स अपार्ट, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब और भाई जोरदार तालियां ऐसे एक्ट के लिए, ऐसे joint effort, इसमें सबकी योगदान लगेगा, तो प्लीज बी ओपन फॉर हेल्पिंग अस आल्सो। यस थैंक यू। सो भानु प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच। अब जो जिन्हें मैं अभी यहाँ स्टेज पर बुलाना जा रहा हूँ वो एक ऐसी है कि उनसे जब मैंने बात करी तो हजार बात का माना है एकदम चौड़ा है, पैसे मांगे मतलब ना पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं इतने तो नहीं इतने देंगे। मैंने कहा नहीं इतने लगेंगे, उन्होंने कहा ए छुकेगी नहीं साला। एलिगेशन एलिगेशन भैया, वो फायर है फायर, और वुमेन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की एक्चुअल फायर है पुष्पा गुप्ता, जोरदार तालियां। पुष्पा फिल्म आने से पहले आए एक टीयर्स थे, अब तो फायर है पुष्पा। That's a trend. So we, all these girls here have come to create that fire. Yes. So tell us about Women's Celebrity Cricket League. Amman cricket league chun, Grindna chun sakti thi, Belan chun sakti thi, Dandiya chun sakti thi, ye league bhi kar sakti thi, Khoko kar sakti thi, football kar sakti thi, bahut kuch kar sakti thi, sirf cricket hi kyun socha? Kafi sari cheeze kar chuki hai. Ab cricket is something I think, you know, we want all the girls to rock on the fields. It's a different platform and I guess everyone would enjoy it. All right. भाई इनकी प्रैक्टिस कुछ हो रहा है या फिर इनको ऐसे ही बता रहा है, क्या सोच करके तुमने जो इनका चयन किया, चुनाव किया? They are all very very active and energetic, supportive. UNIAC Foundation is there, which is like, you know, really really requiring the support from everyone. This launch is right now looking forward to a lot of support from
every individual in the country, because this is going pan India and it's not going to stop. Wow. So was it easy to approach girls, you know, celebrities? क्योंकि ये तो बहुत busy रहती हैं, अपना time निकाल पाएंगी या क्या? और मुझे ये बात जरूर बोलनी है कि बहुत सारी मतलब you know industry के बारे में ये I think it's a misconception that it's difficult to have actors and you know work with them, but it's not. All the girls have been extremely supportive. They've been like very very kind and you know initiative they've taken to come, and it's never been difficult for me. क्या बात है। और इसके बावजूद भी किसी ने नखरे दिखाया तो झुके का Thank you, Pushpa. Thank you so much for your kind words. Please have a seat. Thank you so much. भाई गेम जो है क्रिकेट है जाहिर बात है मैंने तो अपनी बकवालेबाजी कर ली मस्ती कर ली लेकिन गेम तो गेम है टेक्निकलिटी के साथ खेलना पड़ेगा तो टेक्निकलिटीज को समझते हुए कौन है जो उसको समझे आपको बताए कितने ओवर का मैच है कितनी रनें किस टीम में होंगी क्या होगा बहुत बहुत फर्कस होती है इट्स नॉट दैट इजी सो टेक्निकल पार्टनर है अरुण तिवारी कहाँ गए अरुण तिवारी अरुण के लिए अरुण हेलो सर यू बीन द गलंदा है यस सर मतलब बहुत सारा आप स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर भी इस तरह का आयोजन करते हैं टेक्निकलिटीज देखते हैं गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करते हैं प्लीज इस पर रोशनी डालें हाउ वी गोइंग टू गो अबाउट सो वी वर स्क्रैचिंग आवर हेड्स ओवर द पास्ट 2-3 मंथ्स कि कितने प्लेयर्स होने चाहिए कितनी टीम्स होनी चाहिए सो अल्टीमेटली वी थॉट एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द टर्फ इज लाइक कि 9 प्लेयर्स इज व्हाट लुक गुड ऑन अ टर्फ एंड वी कैन हैव 2 प्लेयर्स एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट्स सो टोटल वी हैव 6 टीम्स and 66 players, so 11 players in each team, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि ज़्यादा over रखेंगे तो फिर शायद ये लोग नहीं खेल पाएंगे। Make up धूप। So match शाम को होंगे दोबारा होंगे। शाम को होंगे team there। अरे क्या बात है? कितनी खुश है सारी की सारी। क्योंकि सारे जादू तो हैं नहीं कि सबको धूप लगेगी। हाँ। So शाम में ही खेलेंगे। हाँ। So and it will be initially we'll have 5 host matches and the teams will be divided into 2 groups पहले आपस में भिड़ेंगे फिर आपस में भिड़ेंगे फिर चुनौती देंगे सामने वाले ग्रुप को कि आओ हमसे भिड़ो वाह क्या बात है and then जो भी 2 teams बचेंगे semi-finals and finals उस तरीके से लड़कियां हैं सेलिब्रिटी हैं एटीट्यूड बहुत होता है कैसे मैनेज करोगे बेबी को जूस चाहिए कैसे करोगे सो बेबी पहले खेलेगी फिर जूस मिलेगा कोई ऐसी चीज जो और तुम रोशनी डालना चाहो टेक्निकलिटीज के तौर पर टेक्निकलिटीज तो बहुत सारी हैं दे हैव टू सी प्रिपेयर फॉर द इनिंग्स कुछ बताना चाहोगे अभी तुम यहां बैठे हैं प्लेयर्स अभी यहां पे बैठे हैं सो बताना चाहूंगा कि हर ओवर में ऐसी चीज है जो एक सस्पेंस सरप्राइज के तौर पे आएगा इवन फॉर द बैटिंग टीम एंड द बॉलिंग टीम सो हम बाद में रिवील करेंगे कि उसको सस्पेंस रखा हुआ है बिकॉज़ दैट इज द यूनिकनेस ऑफ द फॉर्मेट एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स जैसे गली क्रिकेट में होता है या नॉर्मल टूर्नामेंट्स में होता है तो सबका मिक्स एंड मैच करके हमने ये लीग का फॉर्मेट रेडी किया क्या बात है कुछ पूछना है एनी क्वेश्चंस गर्ल्स टेक्निकलिटीज के ऊपर में नहीं जब जाएंगे जंग पे तो तभी पूछेंगे अभी दिल्ली बहुत दूर है हॉकी से नहीं वैसे खेलना है चलो थैंक यू सो मच भाई जाहिर बात है इतना तामझाम है इतने लोगों को एक साथ जोड़ना है राजकपूर साहब ने कहा था शो मस्ट गो ऑन और शो गो ऑन तभी होगा जब कोई इन्वेस्टर होगा और मैं तेरे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ इनको यहाँ पर स्टेज पर बुलाने के लिए साई इंफ्रा एंटरटेनमेंट से हमारे जिगर शाह भाई जोरदार तालियां सर आपकी पर्सनैलिटी को देखकर के गाना याद आ रहा नजर के सामने जिगर के पास प्लीज वेलकम
ये एक इन्वेस्टर है और जाहिर बात है किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो एक प्लान से तो होती है, लेकिन अगर इन्वेस्टर ना हो तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सर प्लीज, आपका जुड़ने का तात्पर्य क्या था सर? बेसिकली मैं पुष्पा जी, शी टोल्ड मी अबाउट दी एनजीओ, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे टीवी सेलेब्स और जो भी सेलेब्स है, दे डू देयर बेस्ट टू एंटरटेन अस, दे एंटरटेन द एंटायर कंट्री एंड द वर्ल्ड, बट देयर आर टाइम्स व्हेन दे गो इन डिप्रेशन फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, एंड इन सच बैड टाइम्स देयर इज नोबडी हु स्टैंड्स विद देम, यू नो, तो इफ दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव, तो आई रियली लाइक द इनिशिएटिव, एंड जो हमें साल भर या हमारे लाइफ टाइम तक एंटरटेन करते हैं उनके पूरे टाइम में उन्हें एंटरटेन करने के लिए या उनके साथ कोई खड़े रहने के लिए अगर कोई नहीं है, तो ये सोच के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, तो विच वॉज रियली प्लीजिंग एंड अपीलिंग टू मी, एंड दैट वॉज वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस इवेंट। क्या बात है, और साइन का जो है वो एक एक टर्न भी दे रहा है पार्किंग के साथ। पार्किंग के साथ सर, 3 बीएचके या 1 बीएचके? 5 जिगर सर के साथ में जो है दो बड़ी कमाल की हस्तियां हैं हमारे साथ, और मैं बहुत खुश हूँ इनको मुखातिब करते हुए। डॉक्टर आर बी शिर्के, ऑनरेबल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दादरा नगर हवेली, ये हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब जो है हैज मोर देन 5000 स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सर प्लीज, सर कैन यू सर जस्ट, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। और साथ में है नरपत राजपुरोहित, एम आई राइट? सर है प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान समाज डीएनएच एंड अ बिल्डर टू। सर कहा है सर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ये जोरदार तालियां हो गई। मैं हां प्लीज डन, ऑलराइट ऑन दैट नोट, सर प्लीज प्लीज बिफोर आई टेक माय सीट, आई हैव टू टेल ऑल द गर्ल्स, यहां पे कोई रीटेक नहीं होगा, तो अगर आप आउट हो तो आउट ही हो, अनलेस आप अंपायर को मैनेज कर दो, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेट्स ऑल गेट गियर्ड अप। We have a wonderful event coming up, and as much as I know, it is unprecedented. शायद इससे पहले कभी women celebrity cricket league नहीं हुआ है, तो it is really a matter of proud that we all are associated with this event, and I'm really looking forward to a lot of passion, enthusiasm, and a lot of cat fights also. I really want to see a few cat fights on the ground. तो उसी का मजा आएगा basically. Sir, मैं बोलता हूँ एक नया show बना लेते हैं sir. बिल्कुल, वहीं से हम लोग shows को कर लेंगे. And I really thank Hidden Wonders Entertainment and the associate partners for giving me the opportunity to be here and to get associated with all of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Please have a seat. Lekin before that, we aage badhe. Do cheeze hai badi important. Jo mere zehen se thodi idhar udhar ho gayi. Wo ye ki can we play the AV for UNIAC Foundation? Please. Let's. कहां देख सकते हैं भी? ओवर देयर, ओके प्लीज लेट्स प्ले दी एवी फॉर यूनियन फाउंडेशन। एक मिनट, इसने मुझे फोन कर लिया। दादा आई एम बिजी इन सम इवेंट, आई विल कॉल यू लेटर, थैंक यू। मैनेजर कहां है? ओके, यूनियन फाउंडेशन जाहिर बात है आपको पता ही है कि ये क्या काम करने जा रहे हैं, एक नोबल कॉज है। इसी के साथ WCCL यानी कि वुमेन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, कैन वी हैव द एवी प्लीज?
WCCL भाई जोरदार तालियां हो जाए। चलिए ऑन दैट नोट, अब जितनी हमारी मोहतरमा है खूबसूरत, एक तो शिफाली बग्गा हो रही है बहुत लेट, उनको पकड़नी है फ्लाइट, तो शिफाली हमारी टीम प्लेयर है, प्लीज प्लीज वेलकम शिफाली बग्गा ऑन स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने को बिग बॉस में देखा है, बहुत सारे शोज होस्ट करते हुए देखा है, दिल्ली जा रही है, भूख लगी हुई थी, मैंने कहा रुको साथ चलते हैं, कहा नहीं तुम यही रुको मैं जाऊंगी। शिफाली I am good. Mic is on or off? On, no? Okay. So please tell us your journey to get associated with Women's Celebrity Cricket League. I'm very happy. I'm very excited and glad that I'm a part of Women's Celebrity Cricket League. And they are doing a very, very good job. That I think this is the inaugural season. Yes. Or in association with the UniAct Foundation. And they have ये इनिशिएटिव लिया है पहली बार कि टैलेंट के लिए ये कुछ अच्छा करेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू एंड आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल द गर्ल्स फैशनेबल ब्यूटीफुल बट पावरफुल गर्ल्स चुगली हम लोग करेंगे। हम मुझे लग रहा है कि और पुष्पा ने हमें बुलाया है, पुष्पा में तो फायर है, हम सब में भी बहुत ज्यादा फायर है, सो आई एम श्योर कि आप लगा देंगे मैदान में। लवली प्लीज हैव योर सीट, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव मानसी श्रीवास्तव? मानसी की हाल ही में शादी हुई है, इसके हाथों के मेहंदी का कलर भी नहीं उतरा, हम लोग साथ में थे इनके हनीमून पर, ये हफ्ते हनीमून में दुबई थी और मैं वहां इवेंट करने गया था और फिर बोला था देखो सच्ची बात करनी जरूरी, क्लियर क्लियर करो बेटर हो जाता। सच्ची नहीं है, हम दोनों इवेंट करने गए थे, हनीमून कहीं और हुआ था। चलो ठीक है, कैसा रहा? अरे हनीमून कैसा रहा? अच्छा रहा, थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू प्ले क्रिकेट विद ऑल ऑफ यू। ऑल्सो मैंने कोई स्पोर्ट नहीं खेला लाइफ में, सो आई एम एक्साइटेड टू गेट द ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर क्रिकेट। चलो मैं कह रहा हूँ भैया से ट्रेनिंग लिया तो। अच्छा। वो फुटबॉल खेलता है, वो क्रिकेट खेलता ही है। चलिए अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, अपना थोड़ा शो अलग हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप यू विल गो अलोंग विद योर अच्छा खेल होगी। आई होप सो प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू सो मच। भाई गाली मानसी के होने के लिए अब जो नाराज है, इतने शादी में नहीं बुलाया किसी को तो कुछ नहीं कर सकते। हेलो मानसी, कितने 1200 की प्लेट थी? 2500 की, इतना महंगा हो गया है? And it's amazing that you've gathered all the girls together and to
be a part of course, women hockey team. Oh, sorry. Again, once a player, always a player. It's an attachment, as you can see. But yeah, of course, cricket team. And I feel sports are an amazing vehicle to, maintain your physical and mental health. And what better way to kick off with the cricket? Yeah, sir. I think that's amazing. Thank you very much. Thank you, everybody. Super. Rinal Deshraj. Where is Rinal? Hi. Zorda Tali Ode. जैसी रही थोड़ी सी ऑफ हो गई, मैंने तो चेहरा पढ़ा, वो सब जींस में आए क्या? फिर मैं सब कुछ बताया, नहीं मैं एक दूसरा इवेंट कर रही थी ना, वहां से आई. मृणाल वेलकम, कैसी हैं आप? क्या कहना चाहेंगी? विमेन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो रहा है, आप इसका पार्ट हैं. आर यू गुड इन बॉलिंग बैटिंग? सॉरी, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट इन माय लाइफ. मुझे यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेनी है, बट डेफिनेटली आई एम टू स्पोर्ट्स, आई एम टू फिटनेस, बट आई एम टू जिम, आई एम टू मेनी अदर्स एक्टिविटीज, बट नॉट क्रिकेट. सो कोई टेंशन नहीं है, खेल की बात है, मैं फील्डिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं सीख लूंगा. सीख ले उससे. चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. She is not here. Okay, she is busy minting money. Daily soap karti. Koi baat nahi. Uske liye zor darta nahi ho jaye. Neha Lakshmi hai ye? Yes. Kya baat hai? Congratulations on this amazing launch. Chalo, kya ho gaya? And on the launch of Women Celebrity Cricket League, and I think it's an amazing initiative. थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था यहाँ पर, बलम बम्बैया बेवड़ा बेवड़ा, एम आई टाइट हाइट क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा, ये शो के नाम है? ये सारे आइटम सॉन्ग्स हैं जो मैं आइटम सॉन्ग्स हैं. वाह, मराठी तमिल तेलुगु एवरीवेयर आई हैव वर्ल्ड. सो दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव कम अप विद, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एंड इट्स वेरी स्पोर्टी. आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्टी गर्ल एंड आई ऑलवेज लव फाइटिंग. Yeah. I don't know, something it excites me, gives me a kick to fight, to challenge people. Wow. So when Pushpa asked me for this, it was something new, so I was like, it's something new for me to learn. I've posed a lot of time on the cricket ground and all, really? But yeah, I've not played in a real life. So it will be a good journey for me and thank you for making me a part of it. Dancing maine bahut kar liya hai, wo wahan pe bhi kuch dance moves karenge, no doubt, aur cat fight to koshish mein bahut karungi. नहीं होगी तो मैं करवा दूंगा. नहीं, आप ट्राई करेंगे? तुम लोग फाइट में जाके कर लेना. तो बिग बॉस ने मुझे बहुत सिखा दिया है कैट फाइट करना. हां, बिग बॉस में वही होता है. मैं तो वहीं से निकला हूं ना, वहीं का प्रोडक्ट हूं मैं और बग्गा. इसीलिए तो आई वाज हैप्पी दैट शी इज आल्सो फ्रॉम द सेम लीग. हां, इसलिए तो बग्गा के मुंह लगाई मैंने, कहा था यहां लगा तो फिर मैं भूल जाऊंगा. इसीलिए बिग बॉस से दूर रहना ज्यादा बेटर. नमस्कार, मैं आप सभी की संगीता कपूर है. मैं आपकी एक तारीफ तो करना चाहूंगा भाई, लड़की की भारी खूबसूरती तो लेकिन के बाल दी थी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत बाल हैं. ये जो भी हुआ है घर से मिला है. क्या बात है, ठीक है, मैंने अलग से कुछ नहीं किया जी. यहाँ जिस काम के लिए हम सब आए हुए हैं, शामिल है, आई रियली हैव टू से थैंक यू टू दिस होल टीम प्रीतम. एक्ट्रेस के लिए हर किसी ने एक अलग अलग तरीके से सोचा है. इन सब ने उन एक्ट्रेस के लिए सोचा है जो काम नहीं कर पा रही है या जिनको काम नहीं मिल रहा है. नहीं रहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा है.
पर मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए क्या बात है तुम्हारा शो बड़ा कहानदार नई शादी के सियापे राइट आई मारे हाँ बट बेसिकली मैं बताओ ना चलते परिवार के बारे में बताओ ना बहुत समय आ रहा है अभी इसको कंटिन्यू करना है तो हम आपको बताएंगे ठीक है पर्सनली बताइए जी जी मैं भी बता बैठा हूँ मेरे अंदर भी एक औरत है दो मिलकर बैठेंगे बुराइयां करेंगी मेरी सास की बुराई करना चाहता हूँ ये पंजाब में तो नहीं दिखाओगे ना नहीं बोलो पंजाब में रहते हैं नहीं चलेगा ठीक है हाँ अपने शो वारिस में देखा था क्या बात है मतलब सही लिया ना मैंने लालवानी है ना लालवानी नॉट वर्मा वर्मा ऑल्सो बट ये बहुत सारी चीजों में एक्टिविटी बहुत सारी चीजों में है आपकी मैं उसको सुन रहा था ग्रीन रूम में जी मैं एक्चुअली स्कूल के टाइम से स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ स्कूल कैप्टन रह चुकी हूँ स्पोर्ट्स टीम की हॉकी फुटबॉल थ्रो बॉल ये हाइट जो मेरी है वो स्पोर्ट्स की वजह से ही मुझे मेरे पेरेंट्स दोनों छोटे हैं लेकिन मैं लंबी हो गई ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स अभी भी मैं स्पोर्ट्स खेलना So, sports has been a part from childhood or of course then acting and abhi aisa lagta hai ki life is taking a complete circle from sports into acting and now back into sports. So, yeah. Lovely, lovely. Very zorra tali. I love dancing. Really? One of my dancing partners also here. Jinse aap miloge. So, jab bhi... Jaake partner ko gali ki zorot kya thi? Kahan hai wo? प्रिया सिंह के लिए जोरदार तालियां ये अब तक टीवी शो छोड़ के आई है खास कैसी हो प्रिया बढ़िया मैं बस ये सोच रही थी मुझे देख के क्या दुखी फेंकेंगे आप क्योंकि जब से वहां बैठी हूँ हंस हंस के पागल हो गई चलिए अच्छी बात है इसके बाद कॉफी भी चलते हैं मन की बातें करने में मन होता होगा पूरी आप और मैं पूरी टाइम कॉफी करें क्योंकि टेक्निकलिटी तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं लेकिन शायद आप सिखा दें मैं तो ऐसा है मतलब इस जर्नी में साथ आ गया हूँ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन पर मेरे पीछे कई और तो कहा था सो क्रिकेट और आप तो क्या लगता है कर पाओगी क्यों नहीं जसवीर भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे प्लीज इशारा चैनल में कोई नहीं देखता प्लीज देखना ऐसा कोई होस्ट मिलेगा तो ये कह रहा हूं कि अपने शो के बारे में कोई नहीं देख रहा एनीवेज का शो चैट एनीवेज जसवीर यू आर ग्रेट डांसर एंटरटेनमेंट फुल पैकेज है जी क्रिकेट के साथ क्या कनेक्शन है क्रिकेट आई डोंट नो इफ आई कैन टेक अ ब्रांड नेम बट हम खेल चुके हैं ऑफ कोर्स सॉफ्टबॉल था यहां पे
proper balls in. Yes. होता है जिसमें मिक्स खेलते हैं, सो दिस इज
स्पेशली फॉर वुमेन। एंड हम लोग ये सोचते हैं कि औरतों में ताकत नहीं होती है, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बिकॉज आई फॉलो वुमेन्स क्रिकेट, सो जब शेफाली वर्मा सिक्स मारती है, स्मृति मंदाना सिक्स मारती है, दैट इज अ डिफरेंट केस फॉर वुमेन। एंड वी आर डूइंग वेल एट सी डब्ल्यू सी एस, सो वी आर कॉन्फिडेंट फॉर डब्ल्यू सी सी एस। And I have a question for you. There is one next lady sitting next to you. We all know she is a superstar in cricket. She is going to do, she'll be on the form box or she is going to play? She'll be playing. क्योंकि हमने काफी देखा है कॉम बॉक्स में उनको, बट क्रिकेट खेलते हुए कॉम बॉक्स में लाइक एक बार ट्विस्ट होगा उनको खेलने के लिए, वो ट्विस्ट किस तरह से देखने मिलेगा हमारे दर्शकों को बताइए जरा। इस बार जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो भी पर्दे पे आके क्रिकेट खेलने वाले हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे इस वीक के बारे में? We're looking forward to this cricket tournament. I'm sure it is going to be very exciting. We have so many beautiful faces playing around. और बहुत मजा आएगा। And वो तीन दिन जो होंगे अक्टूबर महीने में 16, 17, 18, it is going to be like really fun-filled tournament. And we're looking forward to this event. And also ये जो एक NGO का लॉन्च हुआ है, it is for the celebrities and I really wish good luck to them for the years to come. And I hope कि ये बहुत अच्छे से चले और जितने लोग इसके अंदर जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, that will be better for the NGO and for the industry. एक सीजन में कितने मैचेस रखे गए? इस सीजन में 15 मैचेस। एक सीजन कितने ड्यूरेशन का रहेगा? ये तीन दिन का है इवेंट, जिसमें 15 मैचेस होंगे, पहले दिन पे 6 मैचेस, दूसरे पे 6 और लास्ट में 3। और मेल्स के लिए कोई चांस है? नहीं सर, प्योर वुमेन। अरे सर आई तुसी क्या होते मेल्स के लिए चांस होगा कि आप बाहर बैठ के सबको चीयर कर सकते हो। पुष्पा जी आपसे एक सवाल है, मैं जी पुष्पा जी आपसे सवाल ये है कि एनजीओ भी साथ में आपको लेकर आ रही है और ये मैचेस भी होने वाले, तो क्या ऐसा कुछ होगा जो कुछ इससे अर्निंग आएगी वो आप एनजीओ के थ्रू सपोर्ट में लगाएंगे एक्टर्स के या जो भी वेलबींग के लिए, ऐसा कुछ है? यस, आई मीन हम यहां पे एक्चुअली कोई फंडरेजिंग नहीं है। अच्छा, दिस इज जस्ट अ लॉन्च, जस्ट अ अवेयरनेस दैट वी आर क्रिएटिंग सो दैट लॉट ऑफ आर्टिस्ट गेट टू नो दैट दिस इज मेड अवेलेबल एंड यू नो दे कम एंड जॉइन अस। हर किसी को कांटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म वी आर क्रिएटिंग वेयर वी कैन क्रिएट दिस अवेयरनेस फ्रॉम वन इवेंट, सो दैट इज द आईडिया। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ, सी हाउ बिग इट। My question is like, you know, I heard a lot of them never took a bat in the hand and it's difficult to how they will be playing or kya, what is your strategy for training? Sorry sir, sir to pakda hai na, just let me know like how they will be preparing themselves. We have coaches, we'll be having practice sessions for the main match, so they are also getting prepared. घर जाते हैं तो खाना मार के आते हैं, अच्छा होता है। अब देखिए क्रिकेट सर जब ओरिजिनल फोटो के हाथ में आएगा तो फिर वो क्रिकेट करने के लिए नहीं होना चाहिए, एक बार ही बच्चों को मौका मिलेगा वो डिजाइन प्रैक्टिस करेंगे सर, जैसे नॉर्मल होता है एकदम प्रैक्टिस पे जाएंगे। आएंगी लड़कियाँ सारे आएंगे, ऑल ओवर कप फॉर प्रैक्टिस, दे गोना प्रूव इट दैट दे हैव लर्न इट, एंड एक बार सीख जाएंगे उसके बाद सर छोटे छोटे के लिए तैयार। सर और एक सवाल है उनके लिए, जो ग्राउंड होगा 4 और 6 ने अभी इन्होंने बात की, मंदाना एंड ऑल एफ सिक्सेस मारे हैं, इनके लिए 6 क्या बाउंड्री रहेगी? वो आपने कभी टर्फ देखा हुआ है जिसमें टर्फ पे सो जितनी लेंथ होती उतनी ही हो? ओके, तो कौन भी 6 मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, वी वाला डाउट इज स्ट्रांग, तो वो पावर हमें देखने मिलेगा। जी जी, वो जो हमारे डाउट ऑलरेडी बहुत आगे तक जाएंगे ऑलरेडी, दैट्स नॉट द बाउंड्री, दिस इवेंट इज गोइंग टू बी लाइक यू नो बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे टू द कवरेज। सर लेकिन एक वुमन में कहावत है, अगर जब तक कैट फाइट नहीं होगा तब तक यू नो आप अपने आप को कैसे प्रूफ कर पाओगे? कौन सी कहावत? कौन सी सारी कहावतें टूटेंगी और पता चलेगा कि रियल पावर जो है वो औरतों के हाथ में है। अगर लड़के को सपोर्ट करें तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द सेशन। यहां यूनियन फाउंडेशन इज कमिंग अप एंड ब्रिंगिंग रोज साइड ऑफ द यू नो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस व्हिच हैज बीन इन द सोसाइटी, सो वी आर कमिंग अप विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द इश्यूज व्हाट पीपल थिंक, यू नो
वो सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है. सो कहीं ना कहीं हम वह उनको दिखाना चाहेंगे. कोचिज की बात करें, किस तरह की कोचिज देखने में रही है, क्या हमें कोच कबीर खान जैसा कोई कोच देखने मिलेगा? शाहरुख साहब से बात हो रही है, जैसे हाँ कहेंगे हम मिल जाएंगे. इस तरह के टेक्निकली सॉलिड होंगे, दिखने में कैसे होंगे ये मैं नहीं आता. नॉलेज पूरी होगी, वो सिखा अच्छा नहीं, वो टीचर अच्छे जो सिखा. जब आपने पहले बताया कि वी आर इको होगा, वो बंद कर दो, उसको हटा दो, उसको निकाली दो, उसको निकाली दो, उसको निकाली दो, निकाल दो, अरे निकाली दो, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया. हमने खुद डिसीजन लिया है कि हम ये करेंगे. एंड आई थिंक there's going to be no cat fight. It's going to be a lot of good I think good competition and we get to learn from each other and from the coaches of course. और एक बड़ा सवाल सभी वुमन खिलाड़ी से, क्या आपने आप अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट को साथ में लाओगे? खूबसूरत खूबसूरती को साथ में खेलने देखा, तो वो अगर वो मिस करेंगे तो कैसे होगा? अगर आपको हम सबको खूबसूरती पे देखना है तो आप वैसे देख लेना, अगर आप सब मैच को खूबसूरती से देखना चाहते हो तो मेकअप की उम्मीद मत करो. दोनों I can see the woman empowerment together now itself. एक खिलाड़ी का तो नहीं पता, अगर एक लड़की की आप बात कर सकते हो, मेरे पास इतनी लड़कियां हैं, आप देखते देखते थक जाएंगी, बस लड़कियां खेलते खेलते परफॉर्मेंस देखते देखते नहीं थकेंगी. शी इज वन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम आई सपोज. सारी लेडीज से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियां होगी, अगर एक एक करके मुझे बताया, और अगर आप लोगों की कोई मेमोरीज है बचपन की जब आप लोगों ने क्रिकेट खेला हो, अगर शेयर करना चाहे कुछ हमारी ऑडियंस. आप जरा सेंटर में जी मैम, आप ही बोल रहे हो खाली, तो और कोई बोल नहीं आ रहा, आप जाइए, आप जाइए सेंटर में जी. ऐसा कि पीछे कुछ और खड़ा कर टीचर क्या रहे ये आप लोग टीम का खिलाड़ी है क्या? नहीं नहीं अलग अलग. आई थिंक यहाँ पे जितनी भी हमारी लड़कियाँ हैं काफ़ी एक्टिव हैं, सब किसी ना किसी ने स्पोर्ट्स को किसी भी तरीके का खेला है. सो आई एम श्योर कि हम लोग जब जाएंगे एक्चुअली मैच खेलने, हमारे कोचिज बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो हमको उतना टाइम मिलेगा कि हम लोग प्रेप करें. तो आई थिंक अच्छा ही होगा सब कुछ बढ़ेगा. मतलब कुछ भी तो कर लेंगे, राइट? दैट इज एन एटीट्यूड टू अडैप्ट एवरीथिंग. आई थिंक
और मैंने तो स्पोर्ट्स किया है, पोस्ट किया है, तो आई नो मेरा सवाल हीना जी और शफली जी से है. हमने देखा है बिग बॉस के घर पे, मराठी बिग बॉस है, नॉर्मल बिग बॉस के घर पे कैट फाइट होती है, तो इसमें भी स्लेजिंग कैट फाइट कुछ होगी आप दोनों की तरफ से? ना ना, गेम में होते हो वो टीम बहुत अलग बात है. एक ही सवाल तीन बार पूछ रहे हैं, तो जब आप चैलेंज लेते हो वो चैलेंज को पूरा, बिकॉज आपको जीतने का हमेशा एक एक जुनून होता है इंसान के अंदर, मैं उस हिसाब से और कॉम्पिटिशन के हिसाब से. बट एज अ गर्ल्स वी ऑल आर, वी नो वॉट वी आर, और हर एक का एक एक स्वभाव नहीं होता. जबकि उसको उसका जीतने का तरीका अलग है, मेरा जीतने का अलग तरीका है. मेरा आई एम एग्रेसिव व्हेन आई एम डूइंग माय वर्क, शी माइट बी कामर, शी माइट बी स्मार्टर, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट जॉनर. सो इट्स नॉट गोना बी गाइड कैट फाइट. कैट फाइट बाल में उछलने नहीं बैठे हम लोग, आप किसी का हम कैट फाइट उसको बोलते हैं. आपको से होता है ना, तू अब देखती थी मतलब क्रिकेट में लड़के अग्रेसिव करे जा रहे हैं, अग्रेसिव बट गर्ल्स का इंटरेस्ट इज कैट फाइट. व्हाई ये कैट फाइट है ना, नाम दे दिया लड़कियों को कैट फाइट, लड़के लोग कम से ज्यादा करते हैं. लेकिन हमारे बल्ले के साथ और हमारे बॉल के साथ हम सब फाइट करेंगे, बट एक दूसरे के साथ नहीं. हमारे बल्ले के साथ और बिग बॉस का घर था ये टर्म, तो हम लोगों को सिर्फ बॉडी से खेलना है. चलो कैट फाइट के अलावा कुछ और मतलब लड़की आई नहीं कैट फाइट. देयर इज अ लॉट मोर दैट वी कैन टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम द कैट. मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक मिनट, फेवरेट कोई क्रिकेटर हो अगर शेयर करना चाहे तो? बहुत सारे, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, स्मृति मंदाना, शिवाली, ऑब्वियसली दे आर डूइंग ग्रेट. और अभी तो अभी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट भी होने वाला है, कॉमनवेल्थ का स्टार्ट होने वाला है. सो बर्मिंघम में लेट्स सी, आई एम होपिंग कि सेमीफाइनल वन में लोग जीते और सीधा फाइनल में पहुंचे, मजा आने वाला है. वी आर वेटिंग फॉर इट. तो क्रिकेट में हर किसी का मैं यही कहना चाहूंगी कि यस ऑल द बेस्ट जो हमारी टीम अभी खेलने वाली है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ट्रेनिंग जो हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है सबसे. आप लोग कौन सा बॉल से खेलना चाहोगे, सीजन बॉल से खेलना चाहोगे, टेनिस बॉल? सीजन बॉल हम लोग टेनिस बॉल से खेलते हैं, जो भी एक्चुअली दैट इज आल्सो नॉट वेरी इजी. एक्चुअली टेनिस बॉल भी काफी जोर से लगती है, बहुत जोर से लगती है, पर जब लगेगी बताएंगे आपको कैसे लगेगी. अच्छा, मेरा सवाल है, जब भी आप मैच खेलते रहे आपने, यू आर प्लेयर एंड यू आर नॉट आउट, पहले आउट नहीं किया, प्लीज प्लीज ज्वाइन अस, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, ये थोड़ा लेट आएंगे. दीवान जी की पैसे से बता देती थी, प्लीज आओ ज्वाइन द गैंग. मैडम बैठे बैठे, माइंड योर माइंड द वायर. सॉरी, क्वेश्चन है, अगर फील्ड में आप खेल रहे हो और आप आउट नहीं हो और अंपायर ने आउट दे दिया तो आप क्या? तो लड़ेंगे. बात आ गई, देखो गेम गेम है, तो वही आप फाइट किससे करोगे, अंपायर से करोगे? ऑब्वियसली अंपायर से करेंगे. जो डिसीजन आप से हो सकती है कि उनको ये वाला एंगल है और वो वाला है, राइट प्रोफाइल है, लेफ्ट प्रोफाइल है, आप फाइट हो सकती है. बहुत लोगों का वो है पक्का. डीआर से होता किससे फाइट करोगी? डीआर से होता किससे फाइट करोगी? डीआरएस है, डीआरएस नहीं है. आपने बैट बहुत से लोगों ने खेला ही नहीं, तो अभी होना टेक्निकल, इट्स जस्ट अ फन, ऐसा नहीं. बट और एक सवाल था मेरा कि आप अपने जब भी सब्स्टिट्यूट रनर रखोगे कि आप खुद भागोगे? क्रिकेट की बात करें, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, आप सबने कितने कितने मैचेस देखे? अभी शुरू करेंगे कॉमनवेल्थ, देख रहे अभी आप, यू आर वॉचिंग कॉमनवेल्थ, अभी देखोगे ना?
अभी वो देखोगे ना मैच। हाँ जी हाँ सर। हाँ मेरा एक सवाल, इनका एक सवाल सर, मेरा एक सवाल, एक सवाल आप लोगों से ये है कि क्रिकेट में बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, अफकोर्स एक पूरी टीम खेलने वाली है, तो आप में से कुछ क्या कैप्टन है या कुछ बैटिंग में ज्यादा बेहतर है या बॉलिंग में, अगर आप बता सकते आप लोग अभी अभी जस्ट आए हैं, पहले तो आपका हैप्पी बर्थडे था, सीधा आप आए शीट में काफी एंजॉय, क्या कहना चाहोगे? टूर्नामेंट होने वाला है वुमेन क्रिकेट लीग का, ऑनेस्टली मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मुझे ऐसा मौका मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स विद सो मेनी ब्यूटीफुल वुमेन अराउंड, सो आई एम रियली बोला रहता बेटर एंड पलक व्हाट डू वांट टू से, आई आल्सो प्ले क्रिकेट, आई थिंक हम लोग फार्म पे जाते हैं, वी बोथ प्ले क्रिकेट एंड आई थिंक आई एम प्रीटी गुड विद बैटिंग एंड ऑल, बट या वुमेन एम्पावरमेंट, या लाइक वुमेन पावर इज देयर, द मेजॉरिटी इज हियर, आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग, लाइक शी सेड प्लेइंग क्रिकेट विद प्रीटी वुमेन, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. Ma'am, my question is for you. Recently, there are so many things coming up for the Paras and there are so many articles out. Would you like to say something? Would you like to comment on it? I don't know if I can go personal here, but no. दो महीने से मैंने शूटिंग की नहीं है. सेट के ऊपर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम. Because I'm not sure क्या हो रहा है. I don't know. पूरा आज ही पूछ ले. बाकी भी मैं कर ले. हाँ पूछा करना. All the media and from men to you beautiful woman, we all give all the best to you. Thank you so much. I would like to thanks. Photo shoot to hoga hi zahir baat hai, lekin special thanks to the Film Royal Entertainment for the creative supervision for the event and production, the entire team.